करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा खाना तो लाओ। सय्यदा आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा खाना लाईं तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम से अर्ज़ करती हैं, सोहनिया सिरका ही है और मेरी तबीयत का भी नहीं बना जिस तरह का मैं इसको बनाना चाहती थी। सिरके का कुछ मैंने बनाया है लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी का नहीं बना सकी। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सिरके का जिसको खुद हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा कह रही हैं कि मर्ज़ी का नहीं बना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाया। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने मज़े से खाया कि जैसे बड़ी आला गिज़ा हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुकद्दस उंगलियों को, मैंने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें चाट रही हैं, फरमाया, आयशा कमाल बना है, आयशा तूने खूब बनाया है, क्या खूबसूरत खाना है। हज़रत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाती हैं, कभी मैंने खाना बनाया हो कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे खाने में ऐब निकाला हो, कभी पसंद ना होता हो तो छोड़ कर चले जाते, कभी भी ऐसा ना हुआ। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्याल रखते कि गर्मी के मौसम में बावर्ची खाने में खड़े हो के सारा वजूद पसीने से शराबूर है, इसने खाना पकाया, हुजूर मेरे खाने में ऐब नहीं निकाला करते थे।